इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगी। शरद नवरात्र का विशेष ही महत्व है। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले कन्याओं का पूजन कर लंका पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद उनको सफलता प्राप्त हुई थी। इस दुर्गा अष्टमी के पर्व पर जहां जहां पर भी माता भगवती के मंदिर हैं, वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं। वह अपने मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। मंदिर सुधार सभा की ओर से दोपहर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय माता की। ये शारदीय नवरात्र भगवती की उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बताए गए हैं। इन दिनों में भगवान रामचंद्र जी ने भी लंका विजय से पहले भगवती का पूजन किया था। इन दिनों में भगवती छोटी छोटी कंजकाओं के रूप में अपने पूजन को स्वीकार करती है और भक्तों की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। शारदीय नवरात्रों के फल में भगवती ने कहा कि इन नवरात्रों में जो भी भगत प्रेम से श्रद्धा से मेरी पूजा करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी। इसी महत्व से सभी भक्त सभी श्रद्धालु भगवती के तीर्थों पर जाकर भगवती के मंदिर में जाकर छोटी छोटी कंजकाओं का पूजन करते हैं, भगवती की ध्यान पूजन आरती आदि करते हैं, ताकि उनके परिवार में उनके कुल में सुख समृद्धि वंश वृद्धि सब बनी रहे। भगवती की ही तरह की कृपा वो चाहते हैं और भगवती अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जय माता की।